हम जब भी कभी कोई फैसला करें तो वी शुड नॉट बी इन अ ट्रैप टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फिन के वर्मिंग एविडेंस ट्रैप वी हैव टू नो इसके डीप रूटेड जो हैं वो क्या क्या हैं हाउ कैन वी एलेबोरेट डेफिनेशन एंड हाउ कैन वी मेक अवर सेल्फ केयरफुल हम इस ट्रैप के अंदर गिरफ्तार वो ना हो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी टेंड टू सबकॉन्शियसली डिसाइड व्हाट टू डू बिफोर फिगरिंग आउट वाई वी वॉन्ट टू डू इट हमारे पास चवाह नहीं होते हमारे पास कोई रीजन लॉजिक नहीं होती कि हमने कोई भी फैसला पर्टिकुलरली क्यों किया बिकॉज हमारा सब कॉन्शियस माइंड वो हमारे टैकल करने में दुशवार का सबब करता है द सेकेंड थिंग एसोसिएटेड विद द कन्फर्मिंग एविडेंस ट्रैप इज दैट द कन्फर्मिंग एविडेंस बायस नॉट ओनली इफेक्ट वेयर वी गो टू कलेक्ट एविडेंस बट ऑल्सो एविडेंस वी डू रिसीव अब इस मकसद के लिए जैसा हमने लीडरशिप के प्रस्पेक्टिव में भी देखा मैनेजमेंट और लीडरशिप की जरूरत है लेकिन हम इस बात को कंफर्म नहीं कर पाते हम इस बात को जज नहीं कर पाते हैं कि जो एविडेंस हमारे पास क्रिएट हुआ वो एविडेंस हमारे पास क्या था क्यों था और क्यों हम उसको सपोर्ट एंड वेटेज एलोकेट कर रहे हैं दर्ड एस्पेक्ट इन द एविडेंस बेस्ट ट्रैप

क्यों इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं ट्रैप विच इज अगेन स्टोरी रिलेटेड विद योर इंक्लीनेशन टू बी मोर एंगेज बाई थिंग्स वी लाइक देन बाई थिंग्स वी डिसक अब यहां पर भी क्या होगा कि हमारी जो सिलेक्टिव परसेप्शन है इट वुड बी कमिंग इन टू प्ले हम सिलेक्टिवली चीजों को परसीव करेंगे हम सिलेक्टिवली चीजों को एलेबोरेट करेंगे देअ हमारी जो सिलेक्टिव परसेप्शन है ये चीजें इफेक्ट कर रही होंगी हमारे फैसले को अब इस सारे मसले से बचा कैसे जा सकता है उसके हवाले से हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सोलूशन ऑलवेज चेक टू सी वेदर यू आर एग्जामिनिंग ऑल एविडेंस विथ इक्वल रिगर और नॉट हम चीजों को कहीं पर एवेल्युएशन के दौरान ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट ना करें द सेकेंड थिंग विच यू कैन डू गेट समू रिस्पेक्ट टू प्ले एज डेवल्स एडवोकेट बिकॉज उसके क्रिटिसिजम से आपके लिए चीजों को एवेल्युएट करना कथारसिस और एनालिस करना वो आसान होगा द थर्ड फिनोमिना बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ अबाउट योर मोटिवस कि आपके इरादे क्या हैं आप वहां पर क्यों ऑपरेट कर रहे हो आप वहां पर क्या हासिल करना चाहते हो सो so, अपने मोटिव्स को एलेबोरेट कर लेने से भी हम इस बायस्ड ट्रैप से अपने आप को आजाद कर सकते हैं द फोर्थ फेनोमेना दैट डोंट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस दैट इनवाइट कन्फर्मिंग एविडेंस सो आपको अपने क्वेश्चंस के अंदर भी केयरफुल रहना है कि कौन सा सवाल वो पूछने हैं और उन सवालों के जो

टू मेक द थिंग्स है कि हम उन यस मैन को एवॉइड कर सकें फॉर अवर कुरेक्शन दे आर देयर एक्चुअली टू क्रिएट ट्रैप्स फॉर एस डियर स्टूडेंट याद रखें कि डिसीजन मेकिंग एक बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है और उसको टेक्निकली आप टैकल तभी कर पाओगे जब आपके अंदर कैपेबिलिटी ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस हो जब आपके पास एक मेरिट हो और जब आप ये जान पाओ कि वो कौन कौन से ह्यूरिस्टिक्स हैं विच आर एक्चुअली अफेक्टिंग यू थैंक यू